जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। अगर आप एक नए फ़ोन लेने की सोच रहे हैं और आपका बजट 15,000 के आसपास है और आप कंफ्यूज हैं कि आप कौन सा फ़ोन लें, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आज आप इस वीडियो के थ्रू पांच ऐसे बेहतरीन फ़ोन्स को देखने जा रहे हैं जो कि आपको इसी बजट रेंज के आसपास मिल जाएंगे, यानी 15,000 का बजट रेंज, जिसे हम मिड बजट रेंज भी कहते हैं। और ये जो मिड बजट रेंज है दोस्तों, काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन्स अभी आपको रिसेंटली इसमें देखने को मिल जाएंगे। और जितने फ़ोन्स आज हमने पिक किए हैं, सभी में आपको धमाकेदार फीचर्स मिलने वाले हैं। कोई फीचर्स की कमी आपको किसी फ़ोन में दिखाई नहीं देगी, हमारी तो कोशिश यही रही है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं कुछ धमाकेदार फीचर्स की सभी फ़ोन्स की। और दोस्तों कुछ हाईलाइट्स इस फ़ोन के बता देता हूँ। सभी फ़ोन्स जो हैं आपको ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ मिल जाएंगे। सभी में आपको धमाकेदार फीचर्स, बेहतरीन कैमरा क्वालिटी और उसके साथ आपको सभी फ़ोन्स में पावरफुल प्रोसेसर मिल जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं सभी फ़ोन्स के बारे में। जो लिस्ट के सबसे नंबर वन फ़ोन आता है दोस्तों, वो है रियलमी की तरफ से रियलमी P1 5G, और काफ़ी बेहतरीन फ़ोन, लोगों ने काफ़ी इसे पसंद भी किया है और काफ़ी लेटेस्ट लॉन्च फ़ोन है रियलमी P1 5G। इसका अगर लुक की बात की जाए तो काफ़ी बेहतरीन लुक है, लुकिंग वाइज फ़ोन काफ़ी बेहतरीन है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात की जाए तो पॉलीकार्बोनेटेड बॉडी आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। 18 ग्राम का इसका वेट है, 7.89 mm इसका ओवरऑल साइज़ है, यानी आप समझ सकते हैं कितना लाइट वेट और स्लिमेस्ट फ़ोन है दोस्तों। 3.5 mm का स्टीरियो स्पीकर्स, 3.5 mm का जैक आपको इस फोन में मिल जाता है स्टीरियो स्पीकर्स के साथ ये फ़ोन आता है। हाइब्रिड स्लॉट आपको इस फोन में देखने को मिल जाते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और रियलमी UI का वर्जन 5.2 का सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है, जो कि इस फोन को काफ़ी बेहतरीन बनाते हैं। ड्रैगन ट्रेल आपको इसमें डिज़ाइन देखने को मिलता है। I54 का रेटिंग भी आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। अगर डिस्प्ले साइज़ की बात की जाए तो 6.67 inches का फुल HD AMOLED डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। 120Hz का रिफ्रेश रेट, उसके साथ 1200 का निट्स पीक ब्राइटनेस आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। 120Hz का सुपर AMOLED डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिलता है, जो कि इसके डिस्प्ले को और भी प्रीमियम बना देता है और काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले वाला फ़ोन इसको बनाता है। कैमरा की अगर बात की जाए तो 50MP का प्राइमरी कैमरा और 16MP का सेल्फी कैमरा, 4K का वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है 30fps तक। AI कैमरा आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है, कुछ इसके रिसेंट क्लिक आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी फ़ोन बेहतरीन है। जितना देखने में खूबसूरत लगता है उतना इसमें आपको धमाकेदार फीचर्स भी मिल जाते हैं। चिपसेट की अगर बात की जाए तो MediaTek Dimensity 7050 का एक पावरफुल चिपसेट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। 5G का 600K तक का N2T स्कोर आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको इसमें गेमिंग के लिहाज से कोई परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है, गेमिंग के लिहाज से सभी फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं, सभी में आप गेमिंग कर सकते हैं। 5000mAh पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाती है। 45W का चार्जर, जैसा कि आप इस फ़ोन में देख रहे हैं, 5000mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी, जो कि आपको इजिली 1 से 2 दिन का तो बैकअप दे ही देगी। फेनिक्स रेड और पिको ग्रीन, दो बेहतरीन कलर वेरिएंट में आपको ये फ़ोन मिल जाता है रियलमी का फ़ोन रियलमी P1 5G, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है, यानी हीटिंग का कोई भी इशू आपको इस फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा। इस फ़ोन में आपको वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 8GB रैम तक का। आइए बात करते हैं अपने दूसरे नंबर के फ़ोन की, जो है वीवो की तरफ से वीवो 2TX 5G। काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है और काफ़ी धमाकेदार फीचर्स आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। कोई फीचर्स की कमी आपको शायद इसमें फ़ोन में देखने को ना मिलेगा। प्राइस की बात की जाए तो 14,172 इसका प्राइस है। अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 620 का 5G प्रोसेसर आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है, जो कि इस फोन को काफ़ी बेहतरीन बनाता है और एक पावरफुल फ़ोन बनाने में काफ़ी सहयोग करता है। MediaTek Dimensity का आपको इसमें प्रोसेसर मिल जाता है, चिपसेट मिल जाता है, जो कि इस फोन को काफ़ी बेहतरीन बनाता है। 50MP का सुपर नाइट कैमरा मोड आपको इस फोन में देखने को मिलता है, जो कि आपको एक बेहतरीन कैमरा क्वालिटी का भी अनुभव कराएगा। 5000mAh की एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी आपको इस फोन में मिल जाती है। अल्ट्रा स्लिम बॉडी आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है और आपको इस फोन में मोस्टर्स 5G इफेक्ट देखने को मिलता है। सुपर नाइट मोड आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। काफ़ी लाइट वेट फोन है, इस फोन में आपको वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर डिस्प्ले साइज़ की बात की जाए तो 6.5 inches का आपको फुल HD डिस्प्ले इस फोन में देखने को मिल जाता है। 90Hz का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन में देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ आपको इस फोन में अगर स्टोरेज की बात की जाए तो 6GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज आपको इस फोन में देखने को मिलता है। MediaTek Dimensity 620 का प्रोसेसर, उसी के साथ साथ आपको इस फोन में
कई सारे धमाकेदार फीचर्स मिल जाते हैं। डुअल रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिल जाता है। स्मूथ परफॉर्मेंस इस फ़ोन की है दोस्तों। आइए बात करते हैं हमने लिस्ट के तीसरे नंबर के फ़ोन की, जो कि है पोको की तरफ से, पोको X6 नियो 3 नियो 5 भी माफ़ कीजिएगा। काफ़ी अच्छा फ़ोन, काफ़ी स्लिमेस्ट, काफ़ी थीनेस्ट फ़ोन है दोस्तों। बेजललेस डिज़ाइन आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। अगर डिस्प्ले साइज की बात की जाए तो 6.67 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले आपको इस फोन में मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको इस फोन में मिल जाता है। उसी के साथ आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इस फोन में काफ़ी बेहतरीन है। कॉर्नरिंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। काफ़ी खूबसूरत फ़ोन है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। पोको नाम सुन के आपको घबराना नहीं है, काफ़ी अच्छे फ़ोन आज आपके लिए मैं पिक करके लाया हूँ दोस्तों। ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो जरा सा भी कहीं पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब बटन को हिट करके, ताकि इसी तरह का और भी बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। मीडियाटेक डायमेंसिटी का आपको इधर प्रोसेसर मिल जाता है, इसमें आप इसलिए BGMI खेल सकते हैं 50 FPS तक। काफ़ी बेहतरीन फ़ोन में आपको काफ़ी पावरफुल बैटरी भी मिल जाता है। 5000 mAh की पावरफुल मैसी बैटरी, 33 W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। कैमरा की अगर बात की जाए तो डुअल कैमरा सेटअप आपको इस फोन में मिल जाता है। 108 मेगापिक्सल का आपको कैमरा, जो कि अच्छा कैमरा क्वालिटी है, बेहतरीन तो नहीं कहूँगा क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपको हमेशा सच्चाई से वाकिफ कराता हूँ, कुछ भी झूठ सच बोल के वीडियो आपके पास नहीं लाता हूँ। 3x इन सेंसर जूम आपको इस फोन में मिल जाता है। 7.6 mm का इसका ओवरऑल साइज है। पोको एक्स नियो 5G इसका प्राइस जो है 14,999। आइए बात करते हैं अपने लिस्ट के फोर्थ नंबर के फ़ोन की, जो कि है मोटोरोला की तरफ से, काफ़ी बेहतरीन फ़ोन वीवो T3X माफ़ कीजिएगा हमारा अगला फ़ोन मोटोरोला का भी जो फ़ोन था G34, आप उसे भी परचेस कर सकते हैं। दो फ़ोन है हमारे लिस्ट में, आप उसको चेक कर सकते हैं। वीवो T3X काफ़ी बेहतरीन फ़ोन, वीवो T2X, वीवो T2X एंड T3X दोनों फ़ोन की आज हम बात कर रहे हैं। इस फोन में भी काफ़ी बेहतरीन फीचर्स आपको मिल जाते हैं। 6.72 इंचेस का फुल एचडी IPS LCD डिस्प्ले आपको इस फोन में मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। आप देख सकते हैं इस फ़ोन में आपको काफ़ी पॉलीकार्बोनेटेड आपको इस बैक एंड फ्रंट साइड मिल जाता है। उसी के साथ साथ आपको प्रोसेसर की अगर बात की जाए, स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन का प्रोसेसर आपको इस फोन में मिल जाता है। फुल टच का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 14 का वर्जन पे ये काम करता है दोस्तों। 6 जनरेशन में उसका आपको इसे प्रोसेसर मिल जा रहा है। वीवो T2X, T3X दोनों आज आपको मेरे लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। N2P स्कोर इसका लगभग 600,000 के आसपास है, तो आपको काफ़ी अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस भी इस फोन में दिख जाएगा। स्मूथ परफॉर्मेंस है सभी में, आपको कोई फीचर्स की कमी आपको किसी फोन में दिखाई देने वाली नहीं है। एंड्रॉइड 14 का सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। फ्रंट टच का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इसे काफ़ी पावर प्रोवाइड करता है और पावरफुल फोन बनाने में काफ़ी सहयोग करता है। 6000 mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी आपको इस फोन में मिल जाती है। 44 W का एक पावरफुल चार्जर आपको इस फोन में मिल जाता है। कैमरा की अगर बात की जाए तो 50 MP का प्राइमरी कैमरा, 4K का वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट भी आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। और लुक वाइज काफ़ी फ़ोन अच्छा है और YouTube का वीडियो प्ले भी इस फोन में काफ़ी अच्छा आपको दिखाई देने वाला है। अगर प्राइस की बात की जाए तो 13,499 का जो है वेरिएंट, और कम से कम आपको 14,999 का भी वर्जन देखने को मिल जाएगा। आइए बात करते हैं अपने लिस्ट के आखिरी फ़ोन की, जो है रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 65G। काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी धमाकेदार फ़ोन, एक डिफरेंट लुक के साथ आपको ये फ़ोन मिलता है। 14,999 इसका प्राइस है। कुछ इसके और भी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस फोन में आपको 90 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, पॉलीकार्बोनेटेड बैक पैनल सपोर्ट के साथ आपको फोन में मिल जाता है। 64 MP का यह कैमरा आपको इस फोन में देखने को मिलता है। उसके साथ 33 W का सुपर हॉक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। 5000 mAh की पावरफुल मैसिव बैटरी, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 का प्लस प्रोसेसर चिपसेट जो आपको मिल जाता है, काफ़ी पावरफुल चिपसेट इस फोन में देखने को मिलता है। उम्मीद है कि अब तक आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और हम वीडियो ही इसमें सबसे बनाते हैं ताकि आप एक अच्छा और बेहतरीन फ़ोन खरीद सकें, जिसे आप लंबे समय तक बिना कोई रुकावट, बिना कोई झंझट इस्तेमाल करें, क्योंकि पैसे तो आपके ही लगने वाले हैं। और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आपको अपने वीडियो के थ्रू एक बेहतरीन फ़ोन परचेस करवाएँ, जिसे आप लंबे समय तक बिना कोई रुकावट, बिना कोई झंझट इस्तेमाल करें।
ये फ़ोन काफ़ी अच्छा आपको एंटूटी स्कोर भी दे देगा, यानी गेमिंग के पर्पज़ से ये फ़ोन काफ़ी अच्छा, सभी फ़ोन से लगभग ऑलराउंडर फ़ोन है जिसे आप शायद पसंद करेंगे। अगर आप 15,000 का बजट रेंज है आपका फ़ोन लेने का, तो आप एक बार प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और इसको एक बार ज़रूर सोचें इस फ़ोन के बारे में। सभी फ़ोन काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी पावरफुल है, ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा जिसके बारे में हम बात करें, रियलमी नार्जो 60 प्रो काफ़ी अच्छा फ़ोन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये फ़ोन में आपको अच्छा कैमरा क्वालिटी मिल जाता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।